अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मुंबई लोकल ने फिर भरी रफ्तार, आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को यात्रा की अनुमति। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा करीब 3 महीनों तक बंद रहने के बाद आज फिर शुरू हो गई। कभी न रुकने वाली मुंबई लोकल कोरोना महामारी के चलते रोकनी पड़ी थी, जिसे आज फिर बहाल कर दिया गया। हालांकि अभी फिलहाल ट्रेन से आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी। ट्रेनें सुबह 5:30 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक 15-15 मिनट के अंतराल से चलेंगी। 100 अप और 100 डाउन के तहत कुल 200 ट्रेनें चलेंगी, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कसारा के बीच 130 ट्रेनें चलेंगी, जबकि CSMT से पनवेल के बीच 70 ट्रेनें चलेंगी। राज्य सरकार द्वारा जारी कर्मचारियों के आई कार्ड के माध्यम से ही स्टेशनों में प्रवेश दिया जाएगा। बाद में कर्मचारियों को QR आधारित ई पास जारी किए जाएंगे। यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए प्रति ट्रेन केवल 700 यात्रियों को यात्रा की अनुमति दी गई है, जिसमें सामान्य दिनों में करीब 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।